मस्जिद आप जाते हैं 15 मिनट एक नमाज के लगाएं, 5 नमाजों कितने टाइम हुआ, 75 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट में से 75 मिनट भी अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया। बाकी हमारे लिए हमारे पास 10-10 घंटे हैं शुगर लगाने के लिए, कैफेज में बैठने के लिए, हर गप्पे मारने के लिए। 75 मिनट उस हस्ती के लिए नहीं निकल रहे जो मैटर करता है हमारी लाइफ में। एक सवाल आपसे बहुत कॉमन होगा, स्पेशली लिबरल तबके की तरफ से, एथियस तबके की तरफ से, कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है, अगर इस्लाम इतना ही डायनामिक है, तुम इस्लाम की तारीफें करते नहीं थकते, तो मुसलमान कंट्रीज गरीब क्यों है? सारी दौलत तो उनके हाथ में, वेस्ट के हाथ में, सारी तरक्की तो उनके हाथ में, नोबल प्राइज तो सारे उनके पास है, हर चीज तो उनके पास है, सारी इन्वेंशंस तो उन्होंने की हैं। मुसलमान तो इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं। तो ये इकबाल ने शिकवा किया था अल्लाह से, क्या कहा उसने, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। कि अल्लाह ये क्या, हमें वादा हूर, हमें आप हूर के वादे पे टरखा रहे हैं और काफिर को हूर मिल रही है। हूर से मुराद है परफेक्शन, हूर से मुराद है तरक्की यहां। और फिर कहा अब वो इल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। कि अल्लाह क्या हो गया, अब आपको हमसे मोहब्बत नहीं है लगता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम गरीब हैं, हमारा डिक्लाइन आ रहा है और काफिर ऊपर जा रहा है। और फिर खुद ही रिप्लाई किया, और वो रिप्लाई सुनने से ताल्लुक रखता है, क्या कहा, बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। कहा कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमसे सिर्फ हूर का वादा है, हालांकि तुम्हें शिकवा करने से पहले थोड़ा शऊर से काम लेना चाहिए था, अकल से। अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। इतनी खूबसूरत बात है, इतनी डेप्थ में बात है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। इकबाल कहते हैं कि जब मुस्लिम वेज कुफार ने अडॉप्ट किए तो अब तरक्की वही करेंगे, तुम लोग तो फिर गए, सारे वेज तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, डिसिप्लिन वो है, सच उनकी सोसाइटी में बोला जाता है, लॉ सिस्टम उनका एफिशिएंट है, ठीक है वो काफिर है, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव बातें उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर फरमाया तुम में हूरों का चाहने कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। यानी दैट इज देयर, जलवा तूर है, लेकिन वेयर इज मूसा, कहां है मूसा, हु वाज मूसा अलैहि सलाम, एक बंदा जो बनी इसराइल को लेकर लीड करके फिरौन के खिलाफ खड़ा हो गया था, एक बंदा, एंड ही आस्क्ड फॉर हारून अलैहि सलाम, किधर है मूसा, क्लासरूम्स में मूसा कहाँ है, यूनिवर्सिटीज में मूसा कहाँ है, शहरों में मूसा कहाँ है, हु इज द यूनिक पर्सन, सारे फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, सारे जो है शीप बने हुए हैं, लाइन कोई नहीं है, सॉरी टू से इंक्लूडिंग मी, सब फॉलो करते हैं, सब ट्रेंड्स फॉलोअर हैं, एक हैशटैग ट्रेंड आता है सारे उसको फॉलो करते हैं, किसी की यूनिक थिंकिंग नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई बहुत ही यूनिक निकला है, मूसा अलैहि सलाम जैसा वाकई निकला है कोई गट्स वाला, है कोई मूसा जो आज के फिरौनों के खिलाफ खड़ा होगा, जो यूनिक बन के आएगा, जिसकी अपनी सोच होगी, जो सोसाइटी को फॉलो नहीं करेगा, सुन्ना को फॉलो करेगा, जो शर्माएगा नहीं सुन्ना को फॉलो करते हुए, वो मूसा चाहिए उम्मत को। किसकी आंखों में समाया है शारे अग्यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। बिल्कुल ऐसे हम बेजार हो चुके हैं अपने पुराने कल्चर से, हम इतना उनसे मरऊब हो चुके हैं वेस्ट से, चले उनकी अच्छी चीजें लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनकी टेक्नोलॉजी यूज करें, लेकिन हम उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम समझते हैं कि उन जैसे कपड़े पहन के हम मॉडर्न हो जाएंगे, हम लिबरल हो जाएंगे, हमारी इज्जत होगी, जबकि हम अपने तर्ज सलफ से बेजार हो चुके हैं, अपने बुजुर्गों के जो है वेज उनसे बेजार हो चुके हैं, उनसे फिर चुके हैं। देन ही सेड कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये हम पर अप्लाई होती है कि तुम्हारे कल्ब में वो सोच नहीं रहा, वो मोहब्बत ठीक है, तुम मुंह से तो कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वेयर इज द प्रैक्टिस। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ किया, ये उनकी सुन्नत है, जिन्होंने तकलीफ दी थी उन्हें भी माफ किया। हम क्या करते हैं, हम तो रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं कि बस मैं कुछ बनू सही, फिर देखे मैं उन्हें कैसा जलील करता हूँ, फिर देखें मैं उन्हें कैसे ताने मारता हूँ जाके, और मैं उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। तो वेयर इज़ द सुन्ना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से फिर गए, हम सहाबा के तरीक़ों से फिर गए हैं। अच्छी ड्रेसिंग पहनने में कोई मसला नहीं, फैशन करने में कोई मसला नहीं है,
लेकिन अपनी सुन्ना तो याद रखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स तो याद रखें, इलामा इकबाल का मैसेज टू द यूथ कि तुम लोग अपनी सोच खुद पैदा करो, फॉलोअर्स ना बनो, लीडर्स बनो, लीडरशिप की तरफ जाओ। और उसके बारे में मैं शेर कोट करना चाहूँगा, ये पूरब ये पच्छम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगो आसमा बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं के शाही बनाता नहीं आशियाना। मैं आशियाना बनाने नहीं दुनिया में आया, मैं दौलत इकट्ठी करने दुनिया में नहीं आया, मैं चेंज मेकर हूँ, मैंने इस्लाम पहुँचाना है आगे, मैंने मोरालिटी देनी है आगे, चेंज एजेंट बनना है, मैंने घरों में जो बेसकूनी है उसको ख़त्म करना है, लोगों तक मैसेज देना है कि हक की तरफ आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा अडॉप्ट करो। मैं कोई यहाँ पे वेलियाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया करने नहीं आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का, ये टाइम हम ठीक है जन्नत में स्पेंड करेंगे। आई एम अ चेंज मेकर और मैं यहाँ आशियानियाँ बनाने नहीं आया, मेरा आशियाना वही है जहाँ पे बस मेरा ठिकाना लग जाए। और चलता फिरता दाई होना चाहिए मुसलमान को, इसलिए अपनी सोच को ब्रॉड करें, निकलें इन चीज़ों से, अपने विजन को ब्रॉड करें और इलामा इकबाल को पढ़ें और कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाएगी।